हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में देश का 22वां एम्स बनने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को इसका शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं अब रेवाड़ी में एम्स के बनने का रास्ता साफ हो गया, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इसके लिए फॉरेंस क्लियरेंस भी हो गया है। सुनिए, 16 तारीख को जो रेवाड़ी जिले में एम्स की जो योजना बहुत वर्षों से अधर में लटकी थी, कहें जमीन के कारण से, कुछ फॉरेस्ट के कारण से, लेकिन सब चीज़ों का रास्ता वो साफ हो गया है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी मिल गई है, जमीन की भी जो पंचायत ने देनी थी वो दे दी है और उसका टेंडर भी हो गया है। और प्रधानमंत्री जी 16 फरवरी को उसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही अन्य कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने उनको भेजे हैं, जो जो उनकी ओर से हमें स्वीकृति मिलेगी उन संस्थानों का भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन ये सब होगा। उस दिन विकसित भारत विकसित हरियाणा इस नाम से, इस थीम से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा। और हम योजना बना रहे हैं कि हरियाणा की सभी विधानसभाओं में और उनका जो भाषण है, ऑनलाइन भाषण, हम अपने जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, जनता के लोग हैं, लाभार्थी हैं, ऐसी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों और प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुने। वही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी सुनिए। बयान तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान में होगा जब इससे पहले भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि हर 6 महीने बाद जब भी कोई सेशन आए उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ताकि हमारी की बातों को वो सुन सकें। अन्यथा तो किसी भी सेशन में वो लोग केवल बोलते बोलते सुनते नहीं हैं। अविश्वास प्रस्ताव वाला सेशन ऐसा होता है, स्वाभाविक है विपक्ष में उसको सुनना भी पड़ता है। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि हमारे किए हुए काम जो हमने जनता को बताने थे वो सुनते ना सुनते, लेकिन इस बार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो मजबूरी में उनको सुनना पड़ेगा। और हो सकता सुनने के बाद कोई प्रभाव पड़ जाए और किसी का मन पाला बदलने का हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार। बता दें, रेवाड़ी में एम्स बनने से हरियाणा के महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद सहित राजस्थान के अलवर और झुंझुनू जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। 16 फरवरी के दिन को खास बनाने के लिए सरकार ने तमाम तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।